बिहार में शराबबंदी पर नीतीश सरकार के तेवर सख्त बने हुए हैं। बिहार में अप्रैल से लागू शराबबंदी कानून को हाई कोर्ट के अवैध बताकर रद्द किए जाने के दो दिन बाद एक बार फिर ज्यादा सख्ती के साथ शराबबंदी का कानून लागू हो गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है और इस दिन से नया कानून जिस कानून का नाम है मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, इस पूरे कानून में ही प्रावधान है मद्य निषेध का। नीतीश सरकार ने रविवार को नया शराबबंदी कानून लागू किया जिसमें ज्यादा सख्त प्रावधान है। नए शराबबंदी कानून में जेल की अवधि बढ़ाए जाने, जुर्माने की राशि में बढ़ोतरी, किसी घर से शराब की बोतल बरामद होने की स्थिति में सभी वयस्क की गिरफ्तारी और शराबबंदी का उल्लंघन करने पर सामूहिक जुर्माने आदि का प्रावधान शामिल किया गया है। नीतीश की सख्ती बरकरार है तो विपक्ष नए नियम को परेशान करने वाला करार दे रहा है। शराबबंदी करो लेकिन शराबबंदी के नाम पर जो है गरीब को तवा मत करो, इस कानून को हटाओ कि एक परिवार में जो व्यक्ति जो है जिसके हाथ में बोतल होगा पिएगा तो पूरा परिवार का लोग जेल जाएगा, जिस गांव में पकड़ा जाएगा पूरा गांव का लोग जेल जाएगा, इसको हटाओ। और यदि संशोधन करना है तो ये भी संशोधन करो कि जिस राज्य में शराब का बोतल पकड़ा जाएगा उस राज्य का मुख्यमंत्री भी जेल में जाएगा। पड़ोसी राज्य यूपी में कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं और जेडीयू राज्य में पैर जमाना चाहती है। चुनावी मौसम में नीतीश शराबबंदी को मुद्दा बनाने में जुटे हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि बिहार में वे शराबबंदी को लागू करें ताकि यूपी में इसकी वकालत कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो बिहार